Hi kids, welcome back to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your series Literary Journeys and English Reader for Class 8 by Brainroot Publications. And children, today we are about to start lesson number 14 and the title of the chapter is Eidgah. Do you know what is a Eidgah? Eidgah basically refers to a mosque jahan par Muslim log prayer karne jaate hain. Theek hai? तो आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है. वो मेले में जाता है और अपनी दादी माँ के लिए कुछ लेके आता है. तो देखते हैं कि स्टोरी में क्या है. लेट्स बिगिन. द स्टोरी ईदगाह रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज अ टचिंग स्टोरी. अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ 4 to 5 ईयर्स एज who neither buys food nor any toy with the Eid money buys a pair of tongs for his grandmother which touches the hearts of the reader. So this is a small introduction about the chapter. The story is written by famous writer Munshi Premchand. Hindi sahitya ke bahut hi famous lekhak hai Munshi Premchand. Unhone Eidgah ko likha hai. Theek hai, ye ek chote se bacche ki kahani hai jo jaisa maine aapko bataya mele mein jata hai. लेकिन वो अपनी पॉकेट मनी से ना तो खाने की कोई चीज़ खरीदता है ना खेलने की चीज़ खरीदता है. वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लेके जाता है. ठीक है, ऐसा वो क्यों करता है ये हम कहानी में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ईद कम्स आफ्टर फुल 30 डेज ऑफ रमज़ान. इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज फुल ऑफ एंथुजियाज्म. सो ईद जो है वो कब मनाई जाती है? आफ्टर द होली मंथ ऑफ फास्टिंग, दैट इज़ रमज़ान. जैसे हम लोग नवरात्रि में फास्ट रखते हैं बेटा, उसी तरह अलग अलग कम्युनिटीज़ अपने अपने गॉड या अपने अपने इष्ट के लिए फास्टिंग करते हैं. जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रमज़ान के महीने में रोज़े रखती है और एक महीने के लिए वो लोग फास्ट करते हैं. ठीक है, एक महीने बाद ईद के दिन उनका फास्ट टूटता है और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. सो ईद कम्स आफ्टर फुल 30 डेज ऑफ रमज़ान. इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज फुल ऑफ एंथुजियाज्म. सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग ईद की खुशी में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, तैयारी में मशरूफ थे. पीपल वर प्रिपेयरिंग टू गो टू ईदगाह, बट द हैप्पीएस्ट पर्सन वॉज हामिद, अ लिटिल बॉय ऑफ 4 or 5. सो सब लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? सब लोग सबसे पहले ईदगाह जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो नमाज पढ़ के अपनी प्रेयर्स जो है भगवान तक पहुंचा सके, है ना. सबसे ज़्यादा खुश कौन था? सबसे ज़्यादा खुश था एक छोटा सा बच्चा जो 4 या 5 साल का बच्चा था. उसका नाम था हामिद. एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ, जिसके माता पिता ना हो. एन ऑर्फन ही लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर अमीना एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स थिंकिंग दैट हिज फादर वुड कम बैक विद बैग्स फुल ऑफ मनी एंड हिज मदर वुड बी बैक फ्रॉम हेवन विद ब्यूटिफुल गिफ्ट्स. अब वो इतना छोटा सा बच्चा था कि उसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे. उसे यही लगता कि मम्मी पापा कहीं दूर गए हैं और वो लोग एक ना एक दिन वापस आ जाएंगे. पापा कहीं काम पे गए हुए हैं और जब वो वापस आएंगे तो अपने साथ खूब सारा पैसा लेके आएंगे और अम्मी जो हैं वो भी स्वर्ग गई हुई हैं, स्वर्ग से वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आएंगे. वो अपनी दादी के साथ रहता और दादी उसे बहुत प्यार करती. होप इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड देन अ चाइल्ड्स होप. तो उम्मीद तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है और एक बच्चे की उम्मीद का तो क्या ही कहना, वो तो पता नहीं हजारों लाखों सपने बुनते रहते हैं. पुअर अमीना सैट इन हर होवल एंड क्राइड. इट वॉज ईद एंड शी डिडेंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन हर हाउस. शी वॉज फिल्ड विद ग्लूम एंड डिस्पेयर व्हेन हामिद एंटर्ड द हट एंड सेड, यू मजंट वरी अम्मा, आई विल बी बैक बिफोर एनी वन एल्स. सो कैन यू सी, दिस इज हिज ग्रैंडमदर अमीना. अब ईद का दिन था, चारों तरफ खुशियाँ थी, लोगों के घरों में पकवान बन रहे थे. वहीं अमीना के घर में एक दाना भी नहीं था खाने का. वो बेचारी एक कोने में बैठ के सुबह सुबह के रोने लगी कि वो क्या करें, हामिद के लिए क्या बनाएं, ईद का दिन है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है. जब हामिद ने अपनी दादी को रोते हुए देखा तब वो दौड़ा आया और उसने दादी से कहा कि दादी आप बिल्कुल मत रो, अम्मा मैं अभी आता हूँ, आप कोई चिंता मत करो. अमीना फेल्ट अ टाइटिंग अराउंड हर हार्ट.
Other children were all going with their fathers, but Hamid had no one to accompany him. He had no shoes and had to walk 3 miles. He would get blisters. There were only 8 paisa in the house, 3 in Hamid's pocket and 5 in Amina's pouch. तो अब जैसा कि उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो लोग काफ़ी गरीब थे, तो क्या करती दादी, चिंतित हो गई कि सब बच्चे जो हैं खुशी खुशी मेले में जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं, सबके पापा उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन हामिद छोटा भी है और अकेला भी है, उसको ले जाने वाला तो कोई नहीं, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं, घर में सिर्फ 8 पैसे पड़े हैं जिसमें से 3 हामिद की जेब में है और 5 अमीना के बटुए में। अगर वो नंगे पैर चलेगा, उसके पास तो अच्छी चप्पलें भी नहीं है, नंगे पैर चलने की वजह से धूप में उसके पैरों पर छाले पड़ जाएंगे। द विलेजर्स स्टार्टेड फॉर द फेयर। हामिद वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली? वॉट एवर कॉट देयर आईज दे वुड स्टैंड एंड गेज एट इट इन वॉन्डर। अब सब लोगों ने क्या किया, हामिद भी दूसरे गाँव के बच्चों के साथ और दूसरे लोगों के साथ ईदगाह की तरफ जाने लगा। अब बच्चे धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, उनके धीरे चलने की वजह थी कि जो भी आसपास उन्हें सामान दिखता वो उन्हें देख के वहीं रुक जाते, हर चीज़ जो उन्हें दिखती वो उनके मन को भा जाती और वो उसको लेके चर्चा करने लगते। हामिद फेल्ट ही हैड विंग्स इन हिज फीट। सडनली दे कुड सी द ईदगाह। देयर वर रोज अपॉन रोज ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज आईज कुड सी, स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड। देयर नीदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर बिकॉज द आईज ऑफ इस्लाम ऑल मेन आर इक्वल। तो कुछ दूरी के बाद फाइनली सब लोगों को दूर से ही ईदगाह नज़र आने लगा। कतार में लोग जो हैं बैठ के वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, और भगवान का घर यानी अल्लाह का घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता। जैसे हम मंदिर में जब जाते हैं, क्या वहाँ कोई भेदभाव होता है? वहाँ ईश्वर के सामने सब एक जैसे होते हैं। तो सेम जब लोग मॉस्क में जाते हैं, ईदगाह में जाते हैं, वहाँ पे भी सभी लोग एक जैसे हैं, वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, ठीक है। द प्रेयर्स वर ओवन, मैन एम्ब्रेस्ड ईच अदर, देन दे डिसेंडेड ऑन द स्वीट शॉप्स, अ मेरी गो राउंड, वुडन हॉर्सेज एंड कैमल सस्पेंडेड ऑन रॉड्स एंड द टॉय वेंडर्स। हामिद्स फ्रेंड महमूद, मोहसिन, नूरे एंड समी रोड ऑन द कैमल्स एंड हॉर्सेज। अब फाइनली नमाज होने के बाद, प्रेयर ख़त्म होने के बाद, सब ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दी और फिर सब लोग मेले में इधर उधर घूमने लगे। कुछ लोग घोड़ा गाड़ी में चढ़ने चले गए, कुछ लोग झूलों पे चढ़ने चले गए, कुछ लोग मिठाइयों की दुकान पे चले गए, कुछ लोग मेले से सामान खरीदने लगे। अब हामिद अपने 4 दोस्तों के साथ वहाँ पर गया था। कौन थे उसके 4 दोस्त? महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, ये सब हामिद के दोस्त थे। हामिद इन्हीं लोगों के साथ मेले में गया था। हामिद स्टूड एट सम डिस्टेंस। अब उसके दोस्त जो हैं सब लोग अलग अलग झूलों पे झूलने लगे, लेकिन हामिद वो बेचारा तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे, वो एक कोने में खड़ा हो गया। ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन अ ऑर्डिनरी राइड। देन द चिल्ड्रन बॉट क्ले टॉयज एंड ही लुक्ड एट देम विद लॉन्गिंग, होपिंग दैट दे कुड कैरी देम फॉर अ लिटिल वाइल। After the toys, it was sweets. Hamid remained aloof. The boys bought sweets and teased Hamid. अब एक एक करके उसके दोस्त जो है मेले का लुत्फ उठाने लगे। कभी वो किसी दुकान पे जाते, कभी वो किसी दुकान पे जाते, कभी वो जाकर मिट्टी के खिलौने खरीदते, कभी वो मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदते। बेचारा हामिद एक टक उन सारी चीज़ों पे देखता रहता। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि वो भी इनमें से कुछ खरीद ले, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे बहुत सोच समझ के खर्च करना था। वो तो सोच में पड़ गया कि अगर मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे खर्च कर दूंगा तो फिर अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद आ गई जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मैं कैसे लूँगा। और उसके दोस्त अपनी तरह मस्ती करने लगे, वो लोग मिठाई खाते खाते हामिद को चिढ़ाने लगे। The hardware shop that lay ahead had no attraction for the boys and they walked on except Hamid. A pair of tongs caught his attention. His grandmother did not have one. Each time she made chapati, she burnt her fingers. If he bought a pair of tongs, she will be happy. It would be useful item in the house. He asked the shopkeeper, "How much is this for?"
अब हामिद जब थोड़ी आगे चला, उसने देखा कि एक दुकान पे चिमटे बिक रहे हैं। बर्तनों की दुकान थी, अलग अलग तरह की चीज़ें बिक रही थी। वहाँ उसने एक लोहे का चिमटा देखा। अब जैसे ही उसने वो लोहे का चिमटा देखा, उसे लगा ये बड़े काम की चीज़ है। जब भी अम्मा जो है रोटियाँ सेकती है, उनके हाथ जल जाते हैं गर्म तवे की वजह से। अगर मैं चिमटा लेके जाऊँगा तो अम्मा जो है खुश हो जाएंगी और उनके हाथ भी नहीं जलेंगे। उसने उस दुकानदार से पूछा कि इस चिमटे का कितना लोगे भैया, कितना कितने में ये चिमटा मुझे दे दोगे। ही लुक्ड एट द बॉय, दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, इज़ इट फॉर सेल, ऑफ कोर्स इट्स फॉर 6 पैसे। तो हामिद को, जब हामिद इतना छोटा सा बच्चा था, तो दुकानदार ने बोला, अरे बच्चे ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तब हामिद ने बोला, क्या तुमने ये बेचने के लिए रखा है, क्या ये बिकाऊ है? तो उसने बोला, हाँ बिल्कुल 6 पैसे का है। हामिद्स हार्ट सैंक, ही पिक्ड अप हिज करेज एंड सेड फर्मली, विल यू टेक 3 एंड वॉक्ड ऑन, अफ्रेड द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट हिम। अब हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे, उसका दिल बैठ गया। फिर बहुत हिम्मत जुटा के, जैसे लोग मोल भाव करते हैं, उसने दुकानदार की तरफ देखा और बोला, क्या 3 पैसे में दोगे? और इससे पहले कि दुकानदार उस पर झुंझलाता या डांटता, वो धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने लगा। बट द मैन कॉल्ड हिम बैक एंड गेव हिम द टॉन्ग्स, लेकिन सरप्राइजिंगली उस दुकानदार ने उसे वापस बुलाया और 3 पैसे में वो चिमटा दे दिया। हामिद पुट इट ऑन हिज शोल्डर लाइक अ गन एंड फिल्ड इट विद प्राइड, जॉइंड हिज फ्रेंड्स। अब हामिद ने उसको बिल्कुल एक बंदूक की तरह चिमटे को अपने कंधे पर रखा और अपने दोस्तों की तरफ गया। मोहसिन सेड, वाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स, वॉट विल यू डू विद इट? अब हामिद के दोस्तों ने जब देखा कि उसने एक चिमटा खरीदा है, तो सब लोग उससे अलग अलग तरह के सवाल करने लगे। महमूद ने कहा, अरे तुम ये चिमटा क्यों उठा लाए, क्या करोगे तुम इसका? महमूद और मोहसिन ने कहा, सो यू हैव मेड टॉन्ग्स इन टू अ टॉय, अच्छा तो तुमने चिमटे को ही खिलौना बना लिया है। हामिद रिप्लाइड, वाई नॉट, इफ़ आई हिट योर टॉयज विद इट दे विल ऑल ब्रेक। अब हामिद था बहुत चालाक, उसने बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पता है मेरा चिमटा कितना मजबूत है, अगर तुम्हारे मिट्टी के खिलौनों पे मैंने अपने चिमटे से वार किया तो सारे खिलौने मिनट भर में ही टूट जाएंगे। मोहसिन थॉट ऑफ अ न्यू वे टू टॉन्ट हामिद, योर टॉन्ग्स विल बर्न इट्स नोज इन द फायर एवरी डे। अब मोहसिन ने सोचा हामिद को कैसे चिढ़ाया जाए, तो उसने बोला, अरे ये जो तुम्हारा चिमटा है ना, ये तो रोज़ चूल्हे में आग में तपेगा और जल जाएगा। हामिद हैड अ क्विक रिप्लाई, ओनली द ब्रेव डेयर टू जंप इन फायर। अब हामिद भी कम नहीं था, उसने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इमीडिएटली उसे चुप करवा दिया। उसने क्या बोला अपने दोस्त को, कि जो शक्तिशाली और वीर होते हैं ना, जो साहसी होते हैं, सिर्फ वही आग में कूदते हैं, हर कोई आग में कूद नहीं सकता। द थ्री बॉयज वर अटरली स्क्वैश्ड, हामिद हैड वॉन द फील्ड, नन ऑफ द बॉयज कुड डिस्प्यूट द फैक्ट, हामिद्स बॉय वॉज द बेस्ट। अब बाकी जो उसके तीनों दोस्त थे, वो बिल्कुल चुप हो गए, वो बेचारे कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। उनके मन ही मन उन्होंने सोचा, हाँ बात तो सही है, हामिद कह तो सही रहा है, इसने जो चीज़ खरीदी है ये सच में ही काफ़ी मजबूत और टिकाऊ है, और हमारी चीज़ों के तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। द रेस्पेक्ट दैट अ विक्टर कमांडेड फ्रॉम द वैंक्विश्ड वाज पेड टू हामिद, द अदर्स हैड स्पेंट अप टू 16 पैसे एंड बॉट नथिंग वर्थ वाइल, पीस टॉक्स बिगैन, ईच ऑफ द बॉयज बिगैन टू स्ट्राइक अ डील विद हामिद। अब हामिद के बाकी दोस्तों ने ऑलमोस्ट 16 पैसे खर्च कर दिए थे खरीदने में और खाने पीने में, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिससे वो कोई काम कर सके, लेकिन हामिद ने सिर्फ 3 ही पैसों में एक काम की चीज़ ले ली। अब तो तीनों चुप हो गए, अब सारे दोस्त आपस में बात करने लगे कि किस तरह से हामिद के साथ दोस्ती की जाए, हामिद को थोड़ा शांत किया जाए और हामिद से एक एक करके जो है चिमटा थोड़ी थोड़ी देर के लिए लिया जाए। मोहसिन सेड, लेट मी सी योर टॉन्ग्स, यू कैन कैरी माई टॉय। सो मोहसिन ने सबसे पहले डील दिया कि एक काम कर हामिद, कुछ देर के लिए मुझे अपना चिमटा दे दे और मेरे खिलौने तू पकड़ ले, तुम अब मेरे खिलौने लेके खेलो कुछ देर, मैं तुम्हारे चिमटे को देख लेता हूँ। हामिद हैड नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग सच टर्म्स,
The tongs gradually passed from one hand to another while Hamid was allowed to handle the toys. अब पहले यही दोस्त उसको अपनी चीज़ें पकड़ने भी नहीं दे रहे थे, छूने भी नहीं दे रहे थे, पर धीरे धीरे हामिद से सब लोगों ने एक एक करके चिमटा लिया, उसको टटोला, उससे खेला, और तब तक हामिद ने दूसरे खिलौनों से खेलना शुरू कर दिया. हामिद स्टोन वॉज कॉन्सिलेटरी. आई वॉज ओनली टीजिंग यू. देर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन दीज प्लेन स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटिफुल टॉयज. But the boys were not convinced. Nobody is going to bless us for bringing these toys, cried Mohsin. So finally, Hamid ने जब अपने दोस्तों को देखा तब उसने बड़े ही शांति से बोला कि अरे मैं तो तुम सबके साथ मजाक कर रहा था, मेरे ये लोहे के चिमटे इतने भी ज़्यादा कोई काम के नहीं हैं, तुम्हारे टॉयज इससे बहुत ज़्यादा सुंदर और बेहतर हैं. इससे सुनते ही मोहसिन ने बोला, अरे हामिद छोड़ो, तुम हमारा दिल मत रखो, हमें कोई भी इन खिलौनों को लाने के लिए कोई हमारी तारीफ़ नहीं करेगा, तारीफ़ तो तुम्हारी होगी कि तुमने सोच समझ के कोई काम की चीज़ खरीदी. हामिद हैड टू एक्सेप्ट दैट नन ऑफ द बॉयज़ मदर वुड बी एज ग्लैड टू सी द टोंग्स एज हिज ग्रैंड मदर वुड बी टू सी द टोंग्स. महमूद वॉज हंग्री एंड टुक आउट सम बनानाज हिज फादर हैड गिवन हिम. ही शेयर्ड देम ओनली विद हामिद वाइल अदर्स स्टेयर्ड विद देयर माउथ्स वाटरिंग. दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टोंग्स. अब महमूद के पापा ने उसको कुछ केले खरीद के दिए थे कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना. महमूद ने केले निकाले और सिर्फ हामिद को केले दिए, क्योंकि टोंग्स किसके पास थे, चिमटा था हामिद के पास, तो हामिद के साथ एक्सचेंज करने थे, तो उसने सिर्फ हामिद को ही केले दिए. बाई 11 o'clock देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द विलेज एज द रिविलर्स वर कमिंग होम. ऑन हियरिंग हामिद वॉइस अमीना रश्ड फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप. अब 11 बज रहे थे, सब लोग जो है मेले से वापस आ रहे थे. जब अमीना ने हामिद की आवाज़ को सुना, वो दौड़ते हुए गई और हामिद को गोद में उठा लिया. When she spotted the tongs in his hand, she was taken aback. Where did you get it from? I bought it. तो अमीना ने जब देखा हामिद के हाथों में चिमटा है, तो वो एकदम से चौंक गई. उन्होंने पूछा, ये तुम कहाँ से ले आए? तब हामिद ने कहा, अम्मा ये मैंने खरीदे हैं. तो अमीना और चौंक गई, उन्होंने बोला, कितने में खरीदे बेटा? फॉर 3 paise. तो उसने बोला, 3 paise का. अमीना ग्रू एंग्री. वॉट अ स्टूपिड बॉय, इट्स ऑलमोस्ट नून एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग. इन द एंटायर फेयर ही कुडंट फाइंड एनीथिंग बेटर देन दिस टोंग्स. वॉट विल यू डू विद इट? अब अमीना को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने लगा कि अरे कितना बेवकूफ़ लड़का है, पूरे मेले में इसे सिर्फ ये चिमटे दिखे, ये इसके किस काम के, कुछ खाया भी नहीं, 11 बज चुके हैं, इसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है. हामिद सेड मीकली, यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाती, दैट्स व्हाई आई बॉट इट. अब जब उसकी अम्मा ने उससे पूछा कि अरे ये चिमटे क्यों लाया है, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ खा ही लेता, तब हामिद ने बोला, जब आप रोटी बनाती हो तब आपके हाथ जल जाते हैं, मैं ये आपके लिए लाया हूँ, आज से आपके हाथ नहीं जलेंगे. The old woman's temper changed into love. What concern for others, what a big heart. The poor boy, how he must have suffered seeing others buying toys and sweets. Even at the fair, he only thought of his grandmother. She broke down. The old woman Amina became Amina the little girl. Large tears fell from her eyes while Hamid comforted her. Hamid the child was playing the role of Hamid the old man. और जैसे ही अमीना ने हामिद की बातें सुनी, वो एकदम से उनका गुस्सा जो है शांत हो गया और गुस्सा प्यार में बदल गया. वो रोने लगी, उनके मन में यही भावना आने लगी कि हाय रे, इतना छोटा सा बच्चा, कितना इसका दिल दुखा होगा जब इसने सब लोगों को देखा होगा खिलौने खरीदते हुए, मिठाइयाँ खरीदते हुए, तरह तरह की चीज़ें लेते हुए, लेकिन ये वहाँ पर भी मेले में भी सिर्फ अपनी दादी के बारे में ही सोचता था. ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा क्यों हो गया? अमीना जो है वो फूट फूट के रोने लगी, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है. और हामिद एक बड़े इंसान की तरह दादी को चुप कराने लगा. अमीना बिसीज्ड अल्लाह ब्लेसिंग फॉर हर ग्राइंड चाइल्ड. हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग ऑन हर इनसाइड. सो फाइनली अमीना ने अल्लाह से दुआ मांगी कि हामिद को हर वो खुशी मिले जो वो चाहता है. लेकिन हामिद बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि खुश होने की जगह दादी रो क्यों रही है, दादी को तो खुश होना चाहिए चिमटे को देख के. वो इतना छोटा था कि वो अमीना की भावनाओं को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था. तो है ना बहुत सुंदर सी कहानी, प्यारी सी कहानी.
a very beautiful story which depicts the bond between the grandchild and the grandmother. है ना, हामिद ने कितना सोचा अपनी दादी के बारे में कि जो थोड़े बहुत 3 पैसे उसको मिले थे वो उससे भी अपनी दादी के लिए सोच समझ के क्या लेके आया, चिमटा लेके आया ताकि उसकी दादी के हाथ ना चले. ऑल राइट चिल्ड्रन, सो वी आर डन, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द ग्लॉसरी वेयर वर्ड मीनिंग्स आर गिवन, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. एंथुजियाज्म मीन्स एक्साइटमेंट, उत्साह. Revelers means group of people who are having fun, जो लोग मजा कर रहे हैं. Wasted means gradually decline. Conciliatory means making angry people calm, यानी जो लोग गुस्सा है उन्हें शांत करना. Soiled means गंदे, मैले या dirty. Besieged means किसी से बड़ी उत्सुकता के साथ कुछ पूछना, asking something anxiously. Assault means attack. Wonderful means marvelous. Teased means किसी का मजाक उड़ाना या किसी पर हंसना, to laugh on somebody. Blister, abscess, cyst, pimple, sore, ulcer or well, यानी छाले पड़ जाना. Utterly means to an absolute या totally. Wealth means a lot of money. Okay? Now it's time to do the exercises. So let's begin with the exercises. First of all, we have multiple choice questions. So we would be doing them one by one. Let's get started. The first one, which character symbolizes innocence and kindness in this story? So Hamid, ठीक है, वो innocent भी था और kind भी था. Second, what does the act of Hamid buying a pair of tongs symbolize in the story? His desire for independence, his aspiration for wealth, his willingness to help his grandmother, his disregard for societal norms. So societal norms का disregard तो नहीं किया है उसने. C is the correct option, his willingness to help his grandmother, उसकी grandmother को help करने की इच्छा. Third one, how does Hamid's grandmother influence his decision making throughout the story? By providing him with the money, by imparting wisdom, by scolding him for his actions, and by encouraging him to compete with other children, by imparting wisdom. ठीक है, all right. So this is the exercise done. Next exercise, let's move forward. Fourth one, what is the central theme explored in the story? Family dynamics, social injustice, generosity and compassion, urbanization. So C part is correct, generosity and compassion. Okay, now let's do this reference to context. A line from the chapter has been given, ek sentence aapke chapter ke beech mein se de diya hai, usko padhne ke baad jo questions diye hue hain unhe hame answer karna hai. So let's begin. First one, Hamid's heart sank, he picked up his courage and said firmly, you will take 3. Who is Hamid talking to? Hamid is talking to the hardware shopkeeper. Okay, Hamid is talking to the shopkeeper. Why does his heart sink? His heart sinks because the shopkeeper said that the tongs are available for 6 paisa. ठीक है? What does he want? He wants to buy a pair of tongs for his grandmother. Okay? Second one, let me see your tongs. You can carry my toys. मुझे अपने टोंग्स दो, तुम मेरे टॉयज ले जाओ. हु इज द स्पीकर? मोहसिन इज द स्पीकर. वाई डज ही वॉन्ट द टोंग? ही वॉन्ट्स द टोंग बिकॉज ही रियलाइजेज दैट हामिद हैज एक्चुअली बॉट समथिंग वेरी यूजफुल. सी, वाई हैज द पर्सन बॉट अ टोंग्स? द पर्सन हैज बॉट द टोंग्स टू हेल्प हिज ग्रैंड मदर्स. एवरी डे वाइल कुकिंग हिज ग्रैंड मदर यूज टू बर्न हिज फिंगर्स. So he was very concerned, that is why he got a pair of tongs to help his grandmother. Okay, so children, I hope that you have understood the question, answers and exercises. With this we come to an end to today's session. I hope you enjoyed the session and you have understood a lovely message from the story, that we should always be kind and generous towards the people around us. I will meet you again with a new chapter, a new story, where we would learn something new and interesting. So, bye-bye and take care. Have a good day ahead.